मिलने का मतलब असली मोटिव है भाई कि खाना है पर कितने सीधे साधे गाइस हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेस वीडियो इज गोना बी वेरी फन एंड एक्साइटिंग बिकॉज़ इट्स फ्रेंडशिप डे स्पेशल वीडियो एंड आई हैव माय टू वेरी ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स एक्चुअली चाइल्डहुड फ्रेंड्स स्कूल फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं बट चाइल्डहुड फ्रेंड्स ना मेरे बहुत कम हैं एंड सबसे पहले जो मेरे स्कूल में मेरी दोस्त बनी थी वो ये थी एंड आफ्टर दैट ये एंड अभी तक हम तीनों ऐसे साथ में हैं एंड बाकी का पता नहीं बाकी लोग कहीं चले गए तो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट फ्रेंडशिप और हम एक दूसरे से क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंडशिप रिलेटेड एंड हम तीनों ही आंसर करेंगे उस क्वेश्चंस को वन बाय वन एंड येस विदाउट एनी फर्दर टू डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो ओके गाइस सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड वी फर्स्ट मीट एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मी सो मैं जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी तो मैं वर्षा से मिली थी मतलब स्कूल ही में तब आई थी एंड मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन वर्षा के लिए यही था कि ये वो वाली स्टूडेंट थी जिसको सारे टीचर्स जानते हैं इनफैक्ट पूरा स्कूल जानता है एंड पढ़ने में भी उस टाइम बहुत अच्छी थी लाइक कोई भी टीचर क्वेश्चंस वगैरह अगर पूछ रहे हैं तो शी वाज द वन जो आंसर करती थी सो मेरा यही इंप्रेशन था कि हाँ ये पढ़ने में भी अच्छी है और हर चीज में अच्छी है उस टाइम अच्छी थी उस टाइम ओके व्हाट वाज योर इंप्रेशन मेरा फ्रेंडशिप का शुरुआत ही इसके साथ हुआ है पहले तो इसके थ्रू मतलब रौनक के थ्रू हम मिले थे रौनक एक्चुअली मेरा नेबर था और इसका भी नेबर था दोनों का नेबर था तो पहले तो हम रौनक स्कूल में जाते थे साथ साथ फिर बाद में इसका एडमिशन हुआ था तो इससे मिला था देखो ये वर्षा है मेरी दोस्त है फिर उसी टाइम से हम कप हो गया था और स्कूल में ऐसा इमेज ही बन गया था एक ज्योति मैम थी क्लास में हाँ हाँ याद है मतलब तुम लोग बेस्ट फ्रेंड हो ऐसा इम्प्रेशन बन गया था सबके सामने कि ये लोग तो बेस्ट फ्रेंड है उस टाइम था कि फ्रेंडशिप का स्टार्टिंग जो होता है वो इसी के साथ हुआ अगर लड़की में ऐसा कहा जाए ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी ऑफ अस टुगेदर अबाउट डांस डांस और पता है गाइस मतलब लाइक हमारे दिमाग में ना 15th August आ रहा है टीचर्स डे आ रहा है कुछ भी ऐसा फंक्शन आने वाला होता था ना बस ये चलता रहता कब 6th पीरियड आएगा कब हम 6th-7th पीरियड में भागेंगे रंगोली कॉम्पिटिशन का भी अलग ही प्लानिंग चलता था और हमारे स्कूल में एक्चुअली 2nd October को गांधी जयंती होती तो उसका एक्ट प्ले हो रहा था तो उसमें तो हम लोग 4th पीरियड के बाद लंच के बाद ही भाग जाते थे हम लोग और हम लोग तो एक दिन स्कूल में रहे भी थे बहुत टाइम लंच मंगवाई थी भूख यार वी आर फूडीज लाइक लिटरली हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं और खाने के लिए कमाना है हम लोग और कुछ नहीं चाहिए जीवन बस ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक मेक्स आवर फ्रेंडशिप यूनिक सोचना पड़ेगा इसमें तो हम आज तक साथ हैं एक्चुअली बिकॉज हम सब लोग अलग है हम सब लोग का थॉट बिल्कुल ही अलग है ये अलग है वो अलग है साथ रहना इज बट स्टिल हम लोग साथ हैं और ऐसा नहीं है गाइस कि झगड़े नहीं होते झगड़े लाइक होते हैं बट कोल्ड वॉर टाइप ऐसा नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाँ और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मतलब अगर लड़ो ठीक है लेकिन ना जब तक बात करके उस चीज को सॉर्ट नहीं करोगे ना आई थिंक तब तक फ्रेंडशिप डजंट गोना वर्क कभी भी कोई भी रिलेशनशिप ना वर्क ही नहीं कर पाएगा जब तक कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और बात करना हमने एक दूसरे से आज तक छोड़ा नहीं और मैं तो सोच लिया मैंने कि रिलेशनशिप अगर चलाना किसी से भी तो बात करना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बाकी सब तो बदल गए बाकी हाँ बाकी सारे लाइक स्कूल फ्रेंड्स हमारे बदल गए देख के ऐसे रिएक्शन जैसे जानते ही नहीं तो हम लोग क्यों बात करेंगे नहीं जानते नेक्स्ट क्वेश्चन इज How do you think we have changed since we first became friends? Ha,
हाँ मैं इसका आंसर पहले करूँगी, ठीक है गाइज। जब हम क्या था क्वेश्चन, जब हम स्कूल टाइम पे लाइक प्राइमरी स्कूल की बात करूँ, फिफ्थ सिक्स में जब हम थे, तो हमारे बीच में जब भी कोई झगड़ा हो गया या लड़ाई हो गया, एक दूसरे की बात का पूरा मान गए ना, तो हम अपना लंच लेके, हमारा साइन था वो कि अगर लड़ाई हुई है और अगर हमें एक दूसरे की बात का बुरा लगा है तो हम अपना लंच लेके साइड कोने में जाके खड़े हो जाएंगे और पता चल जाएगा सबको कि हाँ लड़ाई हो गया है, बस खत्म। एक नाइट लड़की आएगी, लड़ाई हो गया है, हाँ स्टार्ट, और फिर सबने पूछना मतलब शुरू कर देना है कि यार क्यों लड़ाई हुई, तुम आज वहाँ कोने में लंच कर रही थी, क्यों कर रही थी, और हमारी फ्रेंड है ना, बस ये काम सबसे ज्यादा ये करती थी। हाँ मैं भी थी उस बीच के, हाँ तो उस टाइम पे हम ना मतलब ऐसे लंच लेके साइड में ऐसे खोने में जाके खड़े हो जाते थे, बट अब क्या है कि अब उतना देखो मिलना भी नहीं हो पाता, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन थोड़ा सा नहीं हो पाता हमारे बीच, ठीक है, और इतना टाइम ही नहीं आजकल किसी के लाइफ में, सब बिजी है ना, तो जब इतना बात ही नहीं हो पा रहा है एक दूसरे के बीच में, तो लड़ाइयाँ, हाँ लड़ाइयाँ क्यों होंगी, और जब लड़ाइयाँ होती भी है तो मेरा एक्चुअली एक बार हुआ था ना, जो नवरात्रि के टाइम पे तुम चली गई थी वहाँ, गुस्सा हो गई थी इससे कि तुम क्यों डांडे खेलने चली गई, मैंने तुमको बोला था कि तुम मुझे भी लेके जाओ, बट तो मैं गुस्सा हो गई थी, तब मैंने इसको बात करके ऐसे सॉर्ट किया था, और अब तब में और अब में बस यही फर्क है कि तब हम लड़ाई कर लेते थे और अब बात करके सॉर्ट, पहले बात करना पसंद नहीं था कि लड़ाई की अब तुम जाओ, अब बात करके सुलझाना ज्यादा अच्छा। व्हाट्स वन थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम आवर फ्रेंडशिप? What's one thing? Okay. learned. क्या learn किया है? दूसरों की बुराई मैंने तो सीखा है कि हाँ छोटी छोटी बातों पे किसी से भी अपना रिश्ता खत्म नहीं करता, अगर थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ तो हाँ मेरे को तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना है, तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे बातों को भूलना चाहिए, लर्न टू फॉरगिव गाइस इफ यू वांट टू यू नो कंटिन्यू विद दैट रिलेशनशिप, अगर आपका जो भी रिलेशनशिप है लाइफ में, ठीक है, नॉट ओनली फ्रेंडशिप, टॉक्सिक ना हो, तो अगर आप सच में उस इंसान के साथ खुश हो और थोड़ी बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो जस्ट इग्नोर इट और बात करके सॉल्व करो, एंड जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन जो भी है, ठीक है, क्योंकि दिल में रखोगे ना तो वो छोटी सी चीज ना बहुत आगे जाके बड़ी बन जाएगी, ठीक है, तो वो चीज़ हर रिलेशनशिप को, अगर टॉक्सिक नहीं भी है ना रिश्ता, तो भी उस चीज़ को टॉक्सिक कर देगी, सो दिल में मत रखो, बोलो, टॉक जो भी है, हाँ कम्युनिकेट करो, एंड जस्ट गल मुक्ति मुकाओ, रोला मिटाओ, ठीक है, जस्ट डू दिस। हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स इन आवर फ्रेंडशिप? कर लेते हैं बस, कर लेते हैं, हाँ यार मतलब हो जाते हैं। अगर देखो कोई भी टॉपिक है ना, अगर कोई बंदा उस पर डिसएग्री कर रहा है, तो मेरा तो अब ये परसेप्शन, मतलब मेरा ये ओपिनियन है ना कि ठीक है यार, हर किसी की सोच हर चीज पे सेम तो नहीं होती ना, एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन थिंक्स डिफरेंट, तो इन अ डिफरेंट वे, तो हाँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट आवर फ्रेंडशिप? फेवरेट खाना, खाना खाना हम मिलते ही खाने के लिए, खाने के लिए आज भी गाइस हम वीडियो शूट करके ना जाने वाले हैं कि क्या खाना है, चाउमीन मोमोज प्लान करना है मिलने का, तो हाँ यहाँ मिलते हैं, ये खाएंगे वो खाएंगे, मिलने का मतलब असली मोटिव है भाई कि खाना है, बस खाना है, अभी मैं कहीं भी घूमने क्या खाएंगे हम लोग, हाँ क्या खाएंगे, अभी लाइक हम गए हुए थे ना साथ में, वो मेरे काम के लिए एफिडेविट बनवाने मेरा, तो मैंने इसको पूछा ना लाइक हम प्रिंट आउट निकलवा रहे थे कुछ, और मैंने इसको पूछा यार यहाँ पे एक कैफे है काफी अफोर्डेबल है अच्छा भी लग रहा है चलेगी, तो बोलते नहीं घर पे बोल के मैं नहीं आई हूँ, तो मैं मेरा ना मूड ही खत्म हो गया, मतलब यार खाना नहीं खा और बाहर चले जाओ क्या मतलब है यार, सो फूड इज लाइक जो भी फूड इज आवर फेवरेट थिंग, हाँ फेवरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग टफ टाइम्स? बात करते गए थ्रू फोन कॉल, हाँ, और अभी तक एज सच कोई टफ टाइम्स नहीं, हाँ वैसा टफ टाइम नहीं, बट थोड़ा बहुत जो आया है तो आया है, शी नोस वेरी वेल, या और ये मेरी लाइफ में ही आया है वो टफ टाइम, जब के लाइफ में आता है सबके लाइफ में आता है, कुछ लोग किसी से बात करना ज्यादा सही समझते हैं और कुछ लोग दूर रहना ज्यादा सही समझते हैं कि किसको बोलूं मैं, हाँ किसको बोलूं, खुद में ही सॉर्ट आउट कर लेती हूँ किसको बताऊं, तो देयर दिस थिंग हैपेंड टू मी कि मेरा कॉलेज जो मैं जिस कॉलेज में मुझे वो कॉलेज एक्चुअली लेना नहीं था और मुझे जो कोर्स चाहिए था एक्चुअली मेरा निफ्ट पटना में सिलेक्शन हो गया था, बट ड्यू टू इट्स हाई फीस फी स्ट्रक्चर
तो मैं वहाँ नहीं जा पाई और मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। और तब मैंने इसको कॉल किया था और मैंने इसको पूछा था कि ये एक्चुअली मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है, तो मैंने इसको बोला कि तुम्हारे कॉलेज में मास कम्युनिकेशन में अगर मेरा हो पाएगा सो देखो और प्लीज़ इन्फॉर्म मी अगर हो पाए तो। तो शी वॉज लाइक, ये मेरी बात से, मेरे टोन से समझ गई थी कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। सो शी लाइक टोल मी कि यार ठीक है, जो भी है घर में समझाओ कि अब जो हो गया सो हो गया, और कोई भी कोर्स लो, पढ़ाई करो एंड जस्ट गेट इन टू अ कॉलेज, गेट अ कोर्स एंड या हम लोग बस बात करके एक दूसरे से ऐसे सॉर्ट करते हैं अपने टफ टाइम्स में, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो हम लोग पूछ लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स द फनीएस्ट मोमेंट वी हैव शेयर्ड? बताइए। नहीं बताओ। हाँ बताओ। ओके, सो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में थे, तो हमारी एक टीचर थी इंग्लिश की, स्वीटी मैम, वो एक्चुअली स्वीट थी। तो उनके क्लास में ना मेरी फ्रेंड अंशु थी, तो वो उस दिन लंच में स्प्रिंग रोल लाई थी, तो उसने मेरे को बोला कि तुम थोड़ा सा पहले ही खा लो। तो फिर मैं खाने लगी और उसने बहुत ज़्यादा तोड़ के दे दिया था, ठीक है, लिटरली उसने इतना दे दिया था। तो मैंने वो खाया और ऐसे खाते खाते ना बेंच से मैं ऐसे उठी ना, तो मैम ने मेरे को देख लिया एंड शी वाज लाइक, सोहना तुम खा रही हो? और वो ना मेरा एक्चुअली फंस गया था, फंस गया था दांत में, फंस गया था, वो भी निकालते निकालते खा रही हूँ। नो मैम और मैं इधर हाथ भी धो रही हूँ धीरे धीरे। और लास्ट दिन पता है जिस दिन वो अंशु लाई थी केक खाने के लिए दी थी, हाथ में लगा ही रह गया था, तब आ गया। उसने मास्क पहनते थे, हाँ, वो लॉकडाउन का टाइम तो ध्यान नहीं रहा मास्क का। हम लोग ने ऐसे केक उठाया और डायरेक्ट ऐसे मैं तो खाने ही लग गई, फिर मैंने देखा अच्छा मास्क है, फिर बॉयज लोग आ गए, हम लोगों ने ऐसे फेंक के फिर मास्क में हाथ वाथ पोंछ के रख लिया। हाँ लाइक ये हमारी ना जो भी मेमोरीज है या तो खाने से रिलेटेड है या फिर ऐसे पनिशमेंट से रिलेटेड, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। ओके, अच्छे से बताते ठीक है। सो गाइज, फनीएस्ट मोमेंट ये था कि हमारे स्कूल में मैं, हम सब स्टैंडर्ड 9th में थे ना, 9th में थे गाइज, और हमारे क्लास का ना पीछे वाला स्विच एक्चुअली टूट गया था, ठीक है, और किसने तोड़ा नोबडी नोज, ठीक है, और हमारी प्रिंसिपल ने असेंबली के बाद हम लोगों को रोका ग्राउंड में एंड शी टोल्ड अस कि किसने तोड़ा है स्विच, लाइक मैम पता नहीं किसने तोड़ा है, छुट्टी के टाइम तो सही था, फैन ऑफ हुआ है। क्लास में दो क्लास के हम लोग बैठते, हम लोग से सीनियर वाले, दो लोग बैठे तो आज तक किसी को पता नहीं चला वो किसने तोड़ा, बट उसके लिए हमें, बट उसके लिए ना हमें एक्चुअली पूरे टाइम मतलब खड़ा रखा गया था ग्राउंड में, पूरे सातों के सातों पीरियड, लाइक सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2-2.5 बजे तक हम लोग हीट जैसा खा रहे। उसके बाद इसकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी। और गाइस फनी मोमेंट इसमें ये था ना कि हम खड़े थे बट हम खा रहे थे, हम तब भी खा रहे थे, गेम खेल रहे थे पकड़म पकड़ा, ये हम लोगों की पनिशमेंट मिला है क्योंकि खुश थे। हाँ। वो एज वैसी थी ना कि हम लोग रेबेलियस हो चुके थे कि यार जब गलती हमारी नहीं है तो हम लोग क्यों 25 रुपीज पे करने थे, ठीक है, और हम में से कोई करने को तैयार नहीं था। 5-10 बच्चों चला गया, पापा आ गए, पापा के सामने पापा क्यों दे रहे, मत दीजिए पापा। मैम सुन ली, मैम वाज लाइक क्या कर रही हो तुम, गलती एक्सेप्ट करो, नहीं है फिर भी बोलो, नहीं थी, और हमें फिर भी पनिशमेंट मिली, और पनिशमेंट मिलने के बाद भी हम मजे कर रहे थे, और प्रिंसिपल वहां से अपने ऑफिस से बैठे बैठे देख रही है, वो बस देख ही सकती थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, उनको पता था कि सबसे बदमाश क्लास यही है। फिर भी हम खाए जा रहे हम वहां पे बस खा ही रहे थे गाइस। और उसके बाद जो मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे इस वाले हाथ में यहाँ पे इंजेक्शन लग रहा था मेरे नर्व्स में, उसके बाद उस टाइम गर्मी का टाइम था ना, धूप में हम लोग ऐसे खड़े थे तो तबीयत खराब। Yes, that was the funniest part. So the next question is, female friendship versus male friendship, which one is good, like more good according to you? तब अपना अपना perception बताएंगे, so one by one बताते हैं, इसे ज़्यादा clearly होगा, ठीक है? First तुम बताओ क्या? नहीं तुम बताओ, नहीं तुम से starting, तुम start मेरे से। अच्छा, so according to me, male friendship और female friendship में से guys, मैं डिप्लोमेटिक ही आंसर करती हूँ हमेशा, तो मैं यहाँ पे भी डिप्लोमेटिकली ही आंसर करूँगी कि सबके हिसाब से तो देखो अलग अलग होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी
आई गेस मेरी फीमेल फ्रेंडशिप में एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रही है. दे नो कि मैं किस से रिलेटेड बोल रही हूँ. ठीक है, इससे रिलेटेड, किस से रिलेटेड बोल रही हूँ. तो मेरा फीमेल फ्रेंडशिप में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है. एंड मेल फ्रेंड्स मेरे काफ़ी ज़्यादा बने नहीं स्कूल में, बस बात से बात एंड फन से फन तक रिलेशन रहा है. हाँ बस, और कुछ नहीं से ज़्यादा. बट अभी मैं क्या देख रही हूँ कि आई गेस लाइक फीमेल फ्रेंडशिप ही अभी मेरे लाइफ में थोड़ा सही चल रहा है. लाइक अभी क्या चल रहा है कि अभी मेरा फीमेल फ्रेंडशिप भी अच्छा चल रहा है और मेल फ्रेंडशिप भी अच्छा चल रहा है. लाइक इट्स इक्वल, तो मैं किसी को ज़्यादा और कम पे ऐसे नहीं आंकूंगी. बट हाँ, मेरा दोनों ही सही चल रहा है, मेरा इन दोनों से भी सही चल रहा है. और आई हैव दिस मेल फ्रेंड, वो मेरा एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड है. ठीक है, तो मेरा उससे भी काफ़ी अभी अच्छा चल रहा है. तो आप लोग बताइए मेल और फीमेल फ्रेंडशिप क्या. तुम बताओ. बताइए. मेरी नज़र में दोनों सही है, सबका लेवल अप एक ही है. हाँ, पहले एक्चुअली ना गाइज हमारे माइंड में ना सोसाइटी इन्हें एक ऐसा डाल रखा था. हाँ, क्लास में भी वो. और मेन बात है, अगर लड़का आपको पसंद ना कर रहा तो वो दोस्ती बेहतर, तो वो दोस्ती बेस्ट होती है, बेस्ट. हाँ, ये इसका परसेप्शन था. नहीं, मेरी लड़की रही है फ्रेंड हमेशा से आज तक. बस अभी तक में मेरा एक मेल बेस्ट फ्रेंड बना है, दैट्स इट. उसके पहले कोई मेरा भी अभी एक बेस्ट फ्रेंड बना है. और क्लास में तो पहले कोई नहीं, कोई था ही नहीं दोस्त बनाने लायक. अब है, सब मैच्योर हो रहा है, कुछ कुछ तो बातें हो रही. हाँ गाइज, 100 बात की एक बात. जो क्वेश्चन है कि मेल वर्सेस फीमेल फ्रेंडशिप कौन सी वाली ज्यादा अच्छी होती है, तो मैं इसका आंसर बस इतना शॉर्ट में देना चाहूंगी कि माइंड में ना जो सोसाइटी परसेप्शन एक हमारा बना चुकी है कि लाइक ऐसा थॉट बना चुकी है सोसाइटी कि लड़के से बात कर रहे हो मतलब तो कुछ वैसा ही होगा. तो हमने ये चीज को सोच के ना कभी भी लड़के से बात नहीं करी. अब हम जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमने बात करनी शुरू की है. सो मेल फ्रेंडशिप भी काफी अच्छी होती है अब. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, How do we make time for each other despite our busy schedules? हमारा कोई वेल प्लान नहीं होता है कि एक दिन पहले बता देना है कि यहाँ मिलना है वहाँ मिलना है. सुहाना कॉल आया आफ्टर कॉलेज का छुट्टी जब हो जाता है, उसके बाद कॉल करती है, बात करते रहते हैं. कहाँ हो तुम? गांधी मैदान, छुट्टी हो गया, चलो ना मिलते हैं, चलो खितान मार्केट चलते हैं, वहाँ पे हम लोग घूमते हैं, इयररिंग्स, ज्वेलरीज. पैसा वेस्ट कराती है मेरा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करवाती है. जो चीज मैं लूंगी इसको भी लेना जरूरी है, मेरा वेस्ट इसका भी वेस्ट. सो हाँ, बेसिकली इन दोनों का ये प्लान होता है, ये ऐसे मिलते हैं. सो अभी तो मैं इन दोनों से कभी भी मिल सकती हूँ कॉल करके, जैसे अब ये दोनों मिलते हैं. बट पहले क्या होता था कि मुझे इन लोग को कॉल करके ना पूछना पड़ता था कि बोलना पड़ता था कि तुम फ्री हो. और जिस दिन भी हम सब फ्री होते थे हम इकट्ठे मिलते थे एंड वी एंजॉय द डे, जस्ट दैट्स इट. और अब जब मैंने कॉलेज, हम दोनों एक्चुअली सेम कॉलेज में, बाय द वे सेम कॉलेज, हाँ सेम कॉलेज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट हाँ हम अब मिल सकते हैं और हम साथ में हैंग आउट अप कर सकते हैं शायद ज़्यादा टाइम तक. एंड आई थिंक अब ये होने वाला है. सो यू विल गेट टू सी इट. इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गो चेकआउट. मैं वहां पे ऐसी चीजें डालते रहती हूँ. सो क्वेश्चन इज, व्हाट समथिंग यू गाइस एडमायर अबाउट मी एज अ फ्रेंड. एज अ फ्रेंड बताना है लेकिन, कि दोस्ती में क्या पसंद है, लाइक मेरी फ्रेंडशिप में तुम लोगों को ऐसा क्या पसंद है जो तुम लोग अच्छा. मैं कभी भी इसको कॉल करूं लाइक एनी टाइम, वो ऐसा नहीं है कि हाँ कॉल करूं तो कॉल नहीं उठाएगी या कुछ ऐसा, ये उठा लेती है और बात कर लेती है, हमेशा कर लेती, इग्नोर नहीं करती. मैं अच्छी बच्ची मैं हमेशा गाइज. और मुझे ना मतलब अच्छा ही नहीं लगता, मुझे लगता है कि यार मैं अगर अभी फ्री हूँ, मैंने लाइक कितने, मैं यहाँ पे एक चीज कॉल आउट करना चाहती हूँ, मैंने कितने लोगों को देखा है, तुम लोगों ने भी देखा होगा, वो फ्री हैं अभी अपने कोई काम नहीं उनका, और किसी का मैसेज आया बट वो रिप्लाई जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि कैसे लगेगा. हाँ, कि हाँ मैं फ्री बैठी हूँ, थोड़ा पता नहीं दिखाना चाहते कि हाँ मैं फ्री नहीं हूँ, मैं जल्दी नहीं कर सकती. हाँ, बस उनको ये दिखाना है लोगों को कि वो बिजी नहीं है, वो बिजी है बहुत ज्यादा और वो फ्री नहीं, उनके पास टाइम नहीं किससे बात करने का, जबकि वो फ्री होते हैं एंड स्टिल दे डोंट टेक्स्ट मैसेज देम बैक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक आवर फ्रेंडशिप विल इवॉल्व इन द नेक्स्ट 5 years? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, दैट्स क्विट ग्रेट क्वेश्चन. कैसे इवॉल्व होगा? आई गेस कि हमारी फ्रेंडशिप ना गाइस इस तरीके से इवॉल्व करेगी कि 5 साल के बाद हम सब अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, है ना, जॉब के लिए ऐसे लाइक वी विल बी सीकिंग
फॉर ग्रेट जॉब्स इन आर करियर, तो उस टाइम पे किसी के पास जॉब होगी और कोई मतलब ऐसे प्लान कर रहा होगा अपना बिजनेस या जो भी कुछ, ठीक है, तो आई गेस हम बिजी होंगे. हाँ. और हमारे पास टाइम नहीं होगा और हम सबकी प्रॉब्लम सेम होगी. जॉब यू आर इन सेम स्टेज वी आर. एंड सबसे बड़ी बात ये होगी ना कि हम बिजी होंगे, हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होगा और हम ये वाला टाइम काफी ज्यादा मिस करेंगे, कॉलेज डेज. कि पहले आप इस कॉलेज में आ गए तो स्कूल डेज मिस करते हैं और जब कॉलेज से निकलेंगे ना तो कॉलेज डेज हमारा ज्यादा हो जाएगा. हाँ, क्योंकि हम सेम कॉलेज में है गाइस, तो हम साथ में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. सो ये कितना अच्छा बात हो गया ना, स्कूल में भी और फिर कॉलेज में भी. मेरे को लेफ्ट आउट फील हो रहा है. नहीं नहीं नहीं, एडवाइस वुड यू गिव टू अदर्स अबाउट मेंटेनिंग अ स्ट्रांग फ्रेंडशिप? आई गेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों. वीक में एक बार ही कॉल करो, 5 मिनट के लिए बात कर लो, क्या है, कैसा चल रहा है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है, मेक सम टाइम फॉर योर फ्रेंड्स. बस बात करो एंड जस्ट सॉर्ट एवरीथिंग. हाँ, और हर फ्रेंडशिप ना गाइज परफेक्ट नहीं होती, प्रॉब्लम सब में होती है. तुमको देखना है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप में क्या प्रॉब्लम है, फाइंड that problem and solve it on your own. ठीक है, बच्चों की तरह मत करो कि यार अब बात ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, and don't do that. So that's it for the video. I hope you guys will love it and काफी मेहनत करी है हमने guys. फैन ऑफ है, चला दूंगी. ओके, सो काफी मेहनत करी है हमने एंड जस्ट सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक द वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो कोई भी ऐसी टिप जो आप आजकल के बच्चों को देना चाहो फ्रेंडशिप से रिलेटेड, कॉमेंट डाउन बिलो. कुछ कुछ आंसर कर सकते हो अपने, और जो भी कोई क्वेश्चन हो फ्रेंडशिप से रिलेटेड और आपको लगा हो कि हम आंसर कर सकते हैं, सो आप बताना कॉमेंट्स में और मैं उसको आंसर करूंगी, इन दोनों से भी पूछूंगी और इन दोनों से भी पूछ के आंसर करूंगी. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.